गुड मॉर्निंग टू मनाली। तो आज है डे टू और जस्ट अभी उठ के नाश्ता वास्ता कर लिया, 6 बजे उठे थे और अभी बजे है 9, तो नाश्ता वास्ता कर लिया। नाश्ते का फोटो आप देख सकते हो, ये सब खाया आज। ऐसा कुछ माहौल है, थोड़ी धूप निकली हुई है और ठंडी भी है। कितना टेम्परेचर है? 2 डिग्री टेम्परेचर है। और ये देखो चारों ओर माहौल मस्त था। और ये 2 लोग हमारे खड़े मेंबर ग्रुप के, कैसे हो? उठ गए ना, नींद बिंद उठ गई ना? ओके। तो भी आज का प्लान है ऋषि वाटरफॉल जाएंगे, वाटरफॉल देखने को मिलेगा और वहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे। और दोपहर के बाद का क्या प्लान है? स्टीम वॉक। हाँ, स्टीम वॉक में क्या होता है, वो नदी वाला होता है, मतलब नदी में कुछ चले गए, एक्टिविटी करेंगे उसके रिगार्डिंग। और दूसरे लोग टेंट में है, वो लोग आएंगे और सारे लोग इकट्ठे होकर फिर निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। आज का ट्रैक लंबा होने वाला है, प्रिपेयर हो जाना अच्छे से। एक 1.5 घंटे का ट्रैक होगा आज, मस्त सा, क्योंकि चलना थोड़ा ज्यादा होगा आज। आए छोटे बच्चे रेडी? 1.5 घंटे का ट्रैक है आज, 1.5 घंटे का। बराबर प्रिपेयर हो जाना, पैर वेर को अच्छा घिस लो। चलो सारे निकलते हैं और मिलते हैं। तो गाइस ट्रैक करते करते एक मस्त से पॉइंट पे आ गए, छोटा सा पॉइंट है, इधर नदी भी है और नदी बह रही है, अच्छी खासी आवाज भी आ रहा है। नहीं बढ़िया सा, चलो देखते हैं व्यू को, एंजॉय करते हैं। हाय 3x ज़ूम। तो भाई ये सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, पॉइंट है अच्छा खासा, अलग 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 जगह। तो ये रिवर राफ्टिंग जैसे एरिया है, मतलब छोटी सी रिवर है, उतनी बड़ी नहीं है। अभी हम तो रिवर राफ्टिंग नहीं करने वाले, क्योंकि रिवर राफ्टिंग का मौका मिलेगा नहीं आज हमको, तो दूसरी सारी एक्टिविटी होगी बट रिवर राफ्टिंग नहीं होगा। और ये जो सामने दिख रहा है वो बर्फ वाला पूरा पहाड़ है, वो दूसरी साइड है, वहाँ भी जाएंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बोलो भाई क्या बोलना चाहते हो? ये खाली एक्शन ही करते हैं, ये भाई फोटो खिंचाते हैं खाली, है ना, एंजॉय करते हैं नेचर को। तो ये वाटरफॉल आगे है, कैसा है पता नहीं, पता है कैसा है? किसी ने बड़ा होगा क्योंकि फेमस सा है कुछ। तो चलो फिर आगे जाके मिलते हैं। तो बीच में एक स्टॉप लिया है बिकॉज ऑफ आइसक्रीम खा रहे हैं सब लोग। तो भाई कैसा है रिव्यू बताओ? कतई घटिया। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जो ये मेरा आइसक्रीम है मैं रिव्यू बताता हूँ, फिर ये लोग का देखते पहले। ये चोकोबार खा रहे हैं, कैसा है? घटिया। ये देखो बॉक्स दिखाओ भाई, ऐसा चोकोबार है, खाना मत, दवाई जैसा टेस्ट लग रहा है। मैंगो के बॉक्स में चोकोबार, मैंगो के बॉक्स में चोकोबार मिला। और ये बढ़िया नहीं है, खा रहे हैं खाली, भूख लगी है तो टेस्ट है ना, दवाई जैसा ऐसा कड़वा कड़वा थोड़ा लग रहा है। और ये मैंने तो फेंक ही दिया, नहीं सीरियसली आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल। चलो अभी मैं भी फेंक देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस आज नए लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट। वेलकम टू ऋषि वाटरफॉल्स। यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है, पानी है, पानी बहुत ठंडी है, ठंडी नहीं लग रही है, नहीं लग रही अभी, गर्मी लग गई ट्रैकिंग करते करते। और आप क्या कहना चाहते हो अंग्रेजी गुरु? इट्स अ रियली नाइस वाटरफॉल। यस, और And it's pretty nice. I actually like it up here. Oh, good, good. बहुत बढ़िया जगह है, पर वो तो सबको लगी। भाई ऐसी जगह पे मैगी मिले ना तो मजा आ जाए, क्या बोलते हो? मैगी नहीं मिलती है। और ये भाई क्या कर रहा है? फोटो एडिटिंग ये भाई को फोटो का सौंपा दिया है, वो फोटो लेगा अलग अलग जगह की। तो भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मतलब पीते तो रहते, अब खाने की भी इच्छा हुई है। लंच अच्छा सा होगा आज। और डॉग भी इधर बहुत सारे हैं, डॉग के साथ ये बच्चा खेल रहा है, डॉग आते रहते हैं इधर। और ये वाटरफॉल का व्यू दिखाता हूँ आपको आज, तो ये बढ़िया सा वाटरफॉल, अभी ऊपर जाएगा, ऊपर से भी व्यू दिखाऊंगा, नज़दीक से दिखाऊंगा। चलो तो अभी बहुत सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे इधर, और काफ़ी सारे लोग इधर बैठे हैं नीचे, फोटो वोटो ले रहे। तो और लोग ज्वाइन हुए आज हमारे ब्लॉग में, तो चलो मिलवाता हूँ। हाय, नाम बताओ अपना। ध्रुवी कापड़िया। क्या आशका? आशका भाई नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसा लग रहा है वाटरफॉल देख के? बहुत बढ़िया। कब से बोल रहे हैं हमको भी, लो भाई वीडियो में फोटो में, तो नहीं तो क्या साथ में आ जाने का, इनविटेशन स्पेशल नहीं होता यार। मजा आ रहा है ना, अब आपका कैमरा हमारा हो जाएगा, ले लो भाड़े पे ले लो। तो भाई सब एंजॉय कर रहे हैं, फोटो वोटो खींचेंगे और वाटरफॉल की एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, ठंडी हवा और पानी। हाय भाई तू भी आ जा, कैसा है? बढ़िया, बस एकदम बढ़िया। ये हमारा टीम का लीडर है। बहुत सारी एक्टिविटी की बट शूट नहीं कर पाया क्योंकि पानी में गए थे, और पानी में कैमरा नहीं लेके गए थे क्योंकि गीला होना था। और अभी हम आए फिर से टेंट वाली जगह पे, अपनी वाली जगह पे, टाइम हुआ है 6:45 हो गए, चलो 6:45 हुए। और सबकी फेवरेट चीज, सब लोगों की फेवरेट चीज मैगी खा रहे हैं नाश्ते में, तो मैगी और बिस्किट लिए। ये भाई भी एंजॉय कर रहा है, भाई कैसे है मजा? मैगी को एंजॉय कर रहा है। और ये 2 लोग दूसरे लोग उधर खड़े, ग्रुप सारा ग्रुप तितर बितर हो चुका है अभी, तो मैगी को आज एंजॉय करेंगे पहाड़ों वाली, फर्स्ट टाइम मतलब मनाली में फर्स्ट टाइम। और ये देखो पहाड़ वाला व्यू, और इधर एंजॉय कर रहे हैं। कैसी लगी मैगी? ग्रुप हमारा शरारती बच्चा। तो भाई स्टेटस रख के फोटोस रखे तो बहुत सारे लोग के कॉल और मैसेज आ रहे थे, मनाली अकेले अकेले चले गए, तो क्या करे यार, सोलो ट्रिप और ग्रुप बन गया इधर आके, बहुत ही बढ़िया वाला। तो रात को कुछ एक्टिविटी होगी तो कवर कर लूंगा, ट्राई करूंगा, होगा तो। पर भाई सो मत जाना आज,
एक्टिविटी करनी है और फिर खेलेंगे कुछ टेंट में आज आज उनो खेलेंगे तो आज रात को उनो खेलेंगे और उनो में कैसी मजा आती है वो भी दिखाया गया था बहुत मजा आती है मजा आती है हाँ। और लास्ट में हार जाते हैं तो इसको दे देने का मेरे दोस्त को तो आज कार्ड तो खेलेंगे टीम जीता देती है। ओके चलो मिलते हैं अभी भाई कहीं जा रहे हैं कुछ साइट सीन करने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पता नहीं ना कहाँ जा रहे हैं पता नहीं कहीं जा रहे हैं 6 बजे हुए और ठंडी तो अच्छी खासी होती है शाम को तो ये भाई इंग्लिश बोल रहा है और अब हमसे हम भी अब इंग्लिश में ट्राई करेंगे व्लॉग करने का कौन सी स्टाइल अफ्रीकन स्टाइल अमेरिकन एक्सेंट में अमेरिकन एक्सेंट सिखाओ सिखाओ चलो सो हाउ आर यू आई एम फाइन हाउ वाज योर ट्रैकिंग ओह इट वाज रियली नाइस वेरी नाइस सी लॉट ऑफ वाटर हियर कोल्ड वाटर हियर ओह वेरी कोल्ड वेरी कोल्ड और फुल ऑफ ग्रीनरी Yep, it is full of greenery. Full of greenery. Full of greenery. I actually like it here. You love it? Yes, I do like it. I really love it. So? Sun is very getting worse. Wait, aap kuch bolo. Bolo, bolo. Sun is very dangerous and very... I can't say anything. Unpredictable. तो भाई देखो हमारे तो रास्ते में ऐसी मस्ती चलती रहती है नहीं? Always. देखो देखो. सिसी. कुत्ता ने रास्ता काट लिया. रुक जाओ सर. रुक जाओ. जैसा जैसा मैं बोलूँगा ये हाथ वहीं जाना चाहिए. ठीक है? Hand on your cheeks. On your lips. On your nose. On your eyes. Grab it. On your eyes, on your forehead, on your nose, on your cheeks, on your lips, on your chin. One. On three later. तो भाई ऐसा रहा कल का कुछ डे मतलब मजा आया देखने को रात को बॉन फायर किया और अंताक्षरी खेले सब खेले बट शूट नहीं कर पाया बिकॉज अंधेरा होता है लाइटिंग नहीं होती है तो शूट नहीं कर पाया तो डे 3 का आगे का पता चलेगा अगले व्लॉग में मतलब क्या क्या होने वाला है वो अगले व्लॉग में पता चलेगा तो आज का व्लॉग एंड करने से पहले एक और चीज दिखा देता हूँ तो भाई टेंट टूर करा देता हूँ थोड़ी आपको तो ये देखो कपड़े सूख रहे अभी भी गीले कल के सूखे नहीं है क्योंकि इधर थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती रहती है तो गीले ही रहते हैं तो सारे कपड़े इधर सूखे हुए और बहुत सारे टेंट है 10-15 टेंट है और ये हमारा टेंट है ये 8 नंबर वाला टेंट हमारा है और ऐसी होती है एंट्री तो मैं दिखा देता हूँ फटाफट से टूर करा देता हूँ तो देखो अंदर आते हो तो अपने चप्पल और शूज़ रखने का होता है तो सारे रखे हुए इधर तितर बितर करके और ये पूरी जिप वाली चैन होती है तो ये जैसे ओपन करते हैं हम आ जाते हैं अंदर और ये है टेंट के अंदर का नज़ारा ऐसे विंडो टाइप होता है चारों और हम सारे लोग के बैग्स रखे हुए इधर 6 लोग हैं हम और ये सारा सोने का होता है इधर तो मैं यहाँ पे सोया था सेकंड वाला तो 1, 2, 3, 4, 5 है 6 लोग थे हम तो ऐसा कुछ है सीन अंदर और ये है बाथरूम कि भाई बाथरूम देख लो आप इधर नहाने का है इधर पानी आता है इधर से और ये रहा मिरर हाथ धोने का मुंह धोने का और ये रहा टॉयलेट तो ये इसका सारा कुछ टॉयलेट है इनबिल्ट हमारे साथ अटैच किया हुआ तो भाई कपड़े तो सारे ब्लॉग में एक ही दिखने वाले हैं बिकॉज बदलने ही नहीं है ऊपर मतलब अंदर से बदला है ऊपर स्वेटर वही पहना है उड़ी वही पहना है तो अंदर से बदला है बाहर से तो वही दिखेगा तो बेसिकली ये वाले टेंट को बोलते हैं स्विस टेंट जो एकदम प्रीमियम वाला होता है और अच्छे से रह सकते हो अटैच बाथरूम होता है सब कुछ फैसिलिटी मिलती है चार्जिंग वार्जिंग सब मिलता है तो ऐसा कुछ वॉशरूम होता है और ये ब्लॉग को चलो यही पे एंड करते हैं अभी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग को स्टार्ट करना है और दूसरी एक्टिविटी आज करनी है अब दूसरा थोड़ा एडवेंचर मोड होगा अभी अभी तक उतना एडवेंचर नहीं हुआ था तो ये व्लॉग कैसा लगा वो बताना मनाली की आगे की सीरीज भी आने वाली है अभी कंटिन्यू होगी तो बड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड लव यू ऑल